आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। धार के धामनो थाना क्षेत्र के मेहगांव के मामले में धार एसपी कार्यालय का किया घेराव। ब्राह्मण समाज ने एकत्र होकर किया हनुमान चालीसा का पाठ। पुलिस विभाग व सरकार को सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की तथा 48 घंटों की चेतावनी पुलिस को देते हुए वरिष्ठों ने कहा आरोपियों को गिरफ्तार कर FIR नहीं की तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन होंगे। मेहगांव के शशांक दुबे एवं अजय दुबे ब्राह्मणों की हत्या के आरोपी अभी भी पुलिस की मिली भगत से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ब्राह्मण समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज धार के अध्यक्ष गोडू शुक्ला के नेतृत्व में पीड़ित परिवार व विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारी लगभग 500 से अधिक ब्राह्मण SP कार्यालय चिलचिलाती धूप में पहुंचे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने कहा कि अगर 48 घंटे में आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अधिवक्ता एवं ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ सुभाष पौराणिक ने घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक को विस्तार से जानकारी देते हुए सीधे चेतावनी देते हुए कहा अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो माननीय न्यायालय के माध्यम से 40 का धामनोद में पदस्थ पूरा स्टाफ आरोपी बनेगा। प्रदीप दुबे अधिवक्ता ने कहा सूचना के अधिकार में सारी जानकारी मांगी थी किंतु वे पुलिस विभाग के SP द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी तक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा सकते तथा अपने SI नरपत सिंह व प्रज्ञा ठाकुर को बचाने में लगे हुए हैं। ओमकारेश्वर बाविसा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष व पत्रकार ललित दुबे ने कहा धामनोद जिले के मेहगांव में ब्राह्मण परिवार के साथ हुई दुखद घटना से पूरा प्रदेश ब्राह्मण परिवार दुखी है। अगर पुलिस विभाग मामले को गंभीरता से नहीं लेगा तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन होंगे जिससे पुलिस की छवि भी खराब होगी। परशुराम सेना व सभी ब्राह्मण समाज अब मैदान में उतरेगी। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। आज आप ज्ञापन देने आए थे, किस संबंध में ज्ञापन? ये ज्ञापन हमारे बाविसा समाज के और सर्व ब्राह्मण समाज के मेहगांव धामनोद तहसील के अंतर्गत आता है। वहाँ पुता पिता और पुत्र की जो आत्महत्या इन्होंने दर्शाया है प्रशासन ने, लेकिन हम उसे ये समझते हैं कि वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या की गई है। इस संदर्भ में हम यहाँ पर आज 5 जिलों से आद्यगुड़ बाविसा ब्राह्मण समाज के आह्वान पर सर्व ब्राह्मण समाज यहाँ एकत्रित हुआ है और हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि हमने सर्व ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर पूर्व में भी ज्ञापन दिया था लेकिन उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और इसके मेन दो मुलजिम जो हैं उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, जिसमें प्रज्ञा पाटीदार पर FIR दर्ज हुई उसे गिरफ्तार नहीं किया गया और नरपत सिंह ठाकुर जो हैं उन पे अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। आज 1 महीना बीतने को आया है और हम शासन से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि इनको अति शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। अगर ये गिरफ्तार नहीं करते हैं और आज हमारे सब विप्र बंधु यहाँ पर आए हैं जिसमें सर्व ब्राह्मण समाज भी है और आद्यगुड़ बाविसा ब्राह्मण समाज भी यहाँ पर मौजूद है, तो हमारा अगला कदम उग्र आंदोलन के रूप में होगा। आप सभी ये प्रशासन से हमारी मेन मांग रखी गई है हमने और उसको हार्दिक सहयोग। उस परिवार पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार में कमाने वाले 2 ही थे और पिता के जाने के बाद वो परिवार एकदम टूट चुका है, तो उससे सरकार के द्वारा जो सहायता राशि मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है और मैं शासन से मांग करूँगा कि उस परिवार परिवार को या तो किसी बालक उस छोटे बालक को नौकरी दी जाए या फिर उन्हें सहायता दी जाए, ये मेरी मुख्य मांग। या CBI जांच की जाए, इसमें CBI जांच से स्पष्ट होगा कि इसमें जो मुख्य आरोपी है प्रज्ञा पाटीदार और नरपत सिंह ये दोनों की मिली भगत से ये सब कांड हुआ है जिन्हें की आत्महत्या दर्शाया गया लेकिन वो हत्या हुई है। उसका पर्दाफाश इन दोनों के मोबाइल को आप सर्च करेंगे तो निश्चित ही ये स्थिति सामने आ जाएगी कि दोषी कौन है। क्या दोषी के लिए पाटीदार? हाँ, एक बात और कुआं में कि हमारा पाटीदार समाज से
पूरे समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे पूजनीय हैं। हम तो उस पाटीदार के लिए बोल रहे हैं जो कि मेहगांव के पाटीदार परिवार है, जो दोषी हैं, हम अपराधी हैं, हम उनके लिए बोल रहे हैं। हमारी लड़ाई उनसे है, बाकी अन्य पाटीदार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और मैं आद्यगोड़ भाई साहब ब्राह्मण समाज अध्यक्ष गोटू शुक्ला, सर्व ब्राह्मण समाज का जिला उपाध्यक्ष, और मेरे साथ में कारवाक अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण समाज के धर्मेंद्र जोशी भी हैं। इधर इंदौर से प्रतिनिधि मंडल पधारा है, विकास जोशी भी मेरे साथ में हैं, और विप्रजन पूरे यहाँ पर साथ में हैं। उनके जो छोटे भाई, पीड़ित परिवार के छोटे भाई श्री ललित दुबे भी मेरे साथ में हैं। ज्ञापन देने के बाद आपको क्या आश्वासन? सर थोड़ा सा ये बोलिए, एसपी साहब खुद पीड़ित परिवार के वहाँ घर पर आए थे और आज तक कोई कार्रवाई नहीं। ज्ञापन देने के बाद क्या है? छोटे से बताए ज्ञापन देने के बाद में अभी एसपी साहब ने कहा है कि आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं जिस स्तर से आप जाँच की मांग कर रहे हैं उस स्तर से मैं जांच कराने को तैयार हूं, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से जो की है जो मान्य नहीं है कि सीबीआई जांच जब तक कि राज्य शासन लिख के नहीं देता है जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है। तो हम ये मांग करते हैं एसपी साहब से कि वे राज्य शासन को लिखें और लिखने के बाद वो सीबीआई जाँच करवाएँ। धन्यवाद।